हाय, एक और स्टूडेंट से मिलते हैं जिनका नाम है नैतिक सथवारा। नैतिक ने एमसीए कंप्लीट किया है इंडस यूनिवर्सिटी से, जो कि गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। और नैतिक ने रॉयल ज्वाइन किया ओसीजेपी जावा ट्रेनिंग प्लस जावा प्रोजेक्ट करने के लिए। हाय नैतिक, वेलकम टू रॉयल। हेलो सर। नैतिक, ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर इंस्टीट्यूट यू फील एंड रॉयल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग इन जावा टेक्नोलॉजी। सर, अदर इंस्टीट्यूट में जो तरह के सिखाते हैं वो तो पता नहीं, क्योंकि मैं पहले से रॉयल में ही ज्वाइन हूँ। मगर रॉयल में आके मुझे ऐसा पता चला कि पहला कॉन्सेप्ट होता है जो उससे बेटर सीखने को मिला मुझे। ओके, जावा में ओसीजेपी करने के बाद, ओसीजेपी में आपने क्या स्कोर किया? 100%। ओके, 100 out of 100 आपने स्कोर किया ओसीजेपी में। 100 out of 100 स्कोर करने के बाद आपको क्या लगता है, डिफरेंस लगता है अपने जावा नॉलेज में, और कितना डिफरेंस लगता है? बहुत सारा। ओके, दूसरा ये बताइए कि ये सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद आप में एक चेंज आया, तो वो क्या चेंज आया? सर, पॉजिटिव चेंज आया। पहले कोई क्वेश्चन पूछता था तो हमें हिचकिचाहट होती थी कि ये सही है नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता था। और अब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो परफेक्टली आंसर दे सकते हैं। नैतिक, ये बताइए कि आप अभी यहाँ के प्लेसमेंट मॉड्यूल में भी रजिस्टर्ड हो, प्लेसमेंट कमिटी से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है कि किस तरह से प्रिपरेशंस करनी चाहिए? हमें प्लेसमेंट में कहीं इंटरव्यू में जाए तो किस तरह का हमारा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से टेक्निकल क्वेश्चंस फिल करने चाहिए, और उसकी सभी गाइडेंस मिलता है यहाँ से। और ये बताइए कि प्लेसमेंट की तैयारी करने से पहले एक और लेवल आप क्लियर करना चाहते हैं, ओसीडब्ल्यूसी, वो करने के पीछे क्या बेसिक एम है आपका? सर, ओसीडब्ल्यूसीडी एडवांस लेवल है। ओके, और उससे कंसेप्चुअली हम क्लियर हो सकते हैं। इसलिए मेरा गोल है कि ओसीजेपी कंप्लीट करके मेरे कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करूं और आगे जाऊंगा। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, राइट? बाकी स्टूडेंट्स को क्या सजेशंस देना चाहेंगे रॉयल के बारे में? सर, बाकी स्टूडेंट्स को ये सजेशन देना चाहता हूँ मैं कि दूसरी जगह पे नहीं मिलता, वो यहाँ मिलता है, तो आप आओगे तो फील करोगे। ओके, थैंक यू नैतिक फॉर ज्वाइनिंग रॉयल एंड गिविंग अस लॉट्स ऑफ फीडबैक फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।